देवास में स्वर्णकार समाज महिला मंडल द्वारा प्रतिवर्ष गणगौर का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तारतम्य में महिला मंडल द्वारा इस वर्ष भी 2 दिवसीय गणगौर का महापर्व मनाया गया। स्वर्णकार महिला मंडल अध्यक्ष राजश्री सोनी ने बताया कि पिछले 22 वर्षों से स्वर्णकार महिला मंडल द्वारा गणगौर महापर्व मनाया जा रहा है। गणगौर का महापर्व सुहाग और समृद्धि का प्रतीक है, जो महिलाएं द्वारा बड़ा उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रथम दिवस समाज के सभी महिलाओं ने महाराज अजमेर जी के चित्र पर माल्य अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया, जहाँ विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के महिलाओं ने नृत्य, फ्रेंसी ड्रेस सहित विभिन्न कार्यक्रम किए। वहीं दूसरे दिवस गणगौर माता का महिला मंडल द्वारा भव्य चल समारोह शालिनी रोड स्थित सत्यनारायण मंदिर से निकाला गया, जो शहर के विभिन्न मार्ग सुभाष चौक नावेल्टी चौराह होते हुए मल्हार स्मृति मंदिर पहुंचा। चल समारोह का रास्ते भर में विभिन्न समाज के लोगों ने पूजन अर्चन कर स्वागत किया। चल समारोह में बड़ी संख्या में स्वर्णकार समाज की महिलाएं मौजूद रहीं। सबसे पहले तो मैं देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के सभी आशीर्वाददाताओं को हिंदू वर्ष प्रतिपदा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो संस्था देववासिनी के द्वारा आयोजित किया गया था। संस्था देववासिनी ने देववासिनी के श्रद्धालुओं को एकत्रित करके यहाँ पर हिंदू वर्ष प्रतिपदा का आयोजन किया था। सभी ने भजन कीर्तन किए, भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन हुआ और भारतीय संस्कृति के अनुसार हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए, इस बात का संकल्प हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी भारतीय संस्कृति का संवर्धन करे, संरक्षण करे, ऐसी कामना यहाँ पर की गई है। माँ देववासिनी की आरती को लॉन्च किया गया है और साथ ही माँ देववासिनी के सभी भक्तों ने विश्व के कल्याण की कामना की है। मतलब आपने भी एक अंग्रेजी कैलेंडर के बाद बच्चों को सिखाने के लिए हिंदू के लिए जो बताया था पूरा विस्तार से बताया गया। देखिए, अंग्रेजी कैलेंडर हमारी एक सुविधा हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि आप जनवरी फरवरी बच्चों को ना पढ़ाएं, परंतु बच्चों को चैत वैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुमार कार्तिक भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान है, हमारे सनातन धर्म की पहचान है। यदि हम विक्रम संवत को नहीं समझेंगे, हम यदि शक संवत को नहीं समझेंगे, तो धीरे धीरे आने वाले समय में हम हमारी संस्कृति को यदि भूलते जाएंगे तो हम हमारी पहचान को खो देंगे। किसी भी समाज को यदि नुकसान पहुंचाना है तो आप उसकी संस्कृति को खत्म कर दो, समाज अपने आप खत्म हो जाएगा। यदि सनातन धर्म को बनाए रखना है, सनातन संस्कृति को बनाए रखना है, तो हमें संस्कृति का संवर्धन भी करना पड़ेगा और इस संस्कृति का संरक्षण भी करना पड़ेगा।